गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग नूरी कैसे हैं गुड मॉर्निंग मुकेश कुमार गुड मॉर्निंग मैं बिल्कुल ठीक हूं वेल डन तो शुरू करते हैं बच्चे आज का सेशन वकेबले वॉकैब की बात डेली सुबह मेरे सात आठ बजे ओके ऑनलाइन बेंचर्स पे बिल्कुल तैयार रहें और वॉकैब का बेटा कुछ भी सेक्शन ऐसा नहीं होगा जो आप कवर ना कर पाए ओके लेट्स सी सो ये आपका सेशन है वकेबलेडर और ये आपकी हेल्प करता है सी डी एस सी ए पी एफ एन डी ए सी एस सी सी सेट और एस एस सी बैंकिंग इन ऑल द एग्जाम्स अमन चौहान गुड मॉर्निंग तो बेटा सारे एग्जाम्स में आपकी मदद करता है तो आज हम शुरू करने वाले हैं सेशन नंबर सेवनटी एट बेटा सेवेंटी एट सेशन आज शुरू होने वाला है तो अच्छे बताओ टेस्ट दिया था सबने टेस्ट कैसा लगा इस बार वी चेंज समथिंग इन द टेस्ट की वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज किया गया प्रॉपर एक्सप्लेनेशन थी हर वर्ड की एंड एग्जैक्टली exactly सब कुछ याद भी आया होगा कि जो वीक में पढ़ाया था सब कुछ रिमेंबर रिकॉल हो गया होगा तो इसीलिए टेस्ट को बेटा और कॉम्प्रिहेंसिव बनेंगे और रिफाइन करेंगे मतलब ऐसा नहीं है कि दिस इज द लास्ट थिंग कि हम क्लाइमैक्स पे पहुंच चुके नहीं वी विल रिफाइन दैट डे बाई डे बहुत अच्छा था थैंक यू बच्चो सर्कल टीचर्स में आर्ग्यूमेंट क्यों हुआ था सोनू कुमार देख सकते हो बेटा आज बात करते हैं ऑनलाइन बेंचर्स की टीम है बच्चों ऑनलाइन बेंचर्स का अपना एक टेलीग्राम चैनल है एंड ज्वाइन दिस चैनल टुडे सो यू विल गेट ऑल द पीडीएफ एंड एंड अपडेट्स हियर आपको सारे अपडेट्स बेटा मिल जाएंगे दिस वन ऑनलाइन बेंचर्स की अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल दैट एप्लीकेशन राइट नाउ टूडे एंड यू विल बी द पार्ट ऑफ दिस ग्रोइंग फैमिली सा मेरा स्कोर एट आउट ऑफ टेन था बहुत अच्छे अमन चौहान तो इसका मतलब चीजें बढ़ती जा रही है ना अच्छा था सर ऐसा ही होना चाहिए हाँ वो बीच में हमने एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी ना तो मुझे भी कहीं कही ना कहीं कमी लगती थी कि नहीं बच्चों को फिर दोबारा से पीडीएफ खंगालनी पड़ेंगी कुछ ऐसे मेहनत करेंगे कुछ ऐसे मेहनत नहीं करेंगे तो उनको लगेगा कि वेस्टेज ऑफ टाइम है ओके वेल्डन बच्चों वेल्डन सो गाइज नाउ आप इस एप्लीकेशन uh, को अभी इंस्टॉल करें और बेटा हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वो सब देखें ऑफर्स को अवेल कर सकते हैं इंडिया बेस्ट टीम है दीज आर द फैकल्टीज दे आर प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट कंटेंट डेली सुबह से लेकर शाम तक बेटा ये सब आपको बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करें अबाउट मी मेरा नाम है डॉक्टर मिशी सौदिया पी uh, एच डी किया इंग्लिश लिटरेचर में ग्यारह साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है एग्जाम है, 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 है। अपनी लाइफ में पढ़ाए हैं ये बच्चों है, की सफलता की कुंजी दिस इज बारह घंटे की बेटा मैराथन क्लास होगी सोलह फरवरी को सुबह नौ बजे से लेकर रात को नौ बजे तक तो सब लोग तैयार हैं सुबह नौ से रात नौ बजे तक बेटा क्लास होगी आई बी ए सी

कोटेशन ऑफ द डे बहुत अच्छी कोटेशन है बेटा देखो कोटेशन सच बात है ये बिल्कुल सही एक बात कहती है कि आपने कहा आई वुड रादर रिग्रेट थिंग्स आई हैव डन इसका मतलब बिल्कुल सही बात है बेटा कि जितना करने वाले छोड़ते हैं ना उतना ना मतलब ना करने वाले जितना ये ना छोड़ देते हैं करने वाले उससे कई गुना ज्यादा कर भी लेते हैं ठीक है थीके? तो कहने का मतलब बड़ा सीधा सा यह है कि हो सकता है कि आपको कुछ चीजों को रिग्रेट हो मैंने किया लेकिन मतलब आ, गलत हो गया पर जिन्होंने किया ही नहीं है बेटा उनको तो बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा कि हमने तो कोशिश भी नहीं की तो सही बात है बेटा कर, कोशिश कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है यह बात एकदम अलग है कि हम एक बार सक्सेसफुल ना हो लेकिन बार बार यदि एक ही काम को करें तो सक्सेसफुल हो जाते हैं ओके देर इज सनाथ 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 आ जाओ बेटा शुरू करता हूं वोकैब एडिटोरियल टेस्ट एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन फ्राइडे वाले जो वर्ड्स थे उसका ही टेस्ट है जल्दी से बताएं क्या सीक्वेंस होगी जल्दी से मेक इट फास्ट गाइड एक बार बच्चों सेशन को लाइक और शेयर कर दो फट से सारे बच्चों तक ये पहुंच जाए सारे बच्चे लाइव आ जाएं बेटे एक बार लाइक शेयर कर दो एंड शुरू करता हूं सेशन दिस इज हर आपको याद आ गया होगा फ्राइडे को वर्ड कराए थे था कैपिटुलेशन था और डेलीटोरियस था था या पैन था पैन पैनशे था ना बेटा या तो पैनशेंट बोलते हैं पैन पैनशे बोलते हैं दोनों वर्ड के प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट है रोहित दास ने सबसे पहले आंसर फिर दिया सीईए बी डी वेल्डन सीई ए बी डी विनय ने दिया है सीई ए बी डी वेल्डन बच्चे वेल्डन नूरी मुशरफ सीई ए बी डी बहुत बढ़िया इस टेस्ट देने से यह समझ आ जाता है कि आप लोगों की वॉकअब इंप्रूव होते जा रही है और यह बात आपको भी समझ आ रहा होगा कि देखो ऑलमोस्ट वर्ड वॉकएब लेटर से लगे थे सीडीएस में तो बात यह है कि बच्चों कहीं ना कहीं आपको इंप्रूवमेंट जरूर दिख रहा होगा अपने अंदर कि सच में चेंजेस हुए हैं बेटा एग्रीजियस बिल्कुल सही बात है दैट वॉज फ्लैग्रेंट था एकदम सही ठीक है क्या आंसर दिया आपने हाँ सी ए बी डी बिल्कुल बेटा कैपिचुलेशन uh, करना था सरेंडर कर देना याद आ रहा है ना इनके सबके इमेजेस भी याद आ रहे होंगे डेलीटेरियस डिलीट का एक मैसेज लगा रखा था इनिमिकल होता है सेशेशन सिगरेट को ऐसे बुझा दिया गया था टर्मिनेशन होगा और मतलब होता है रैली शैंपेन की स्पेलिंग बताई थी याद कर लेना बहुत काम किया ठीक है थीके? बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है बहुत बढ़िया बच्चों हाँ बेटा नॉलेज में इंप्रूवमेंट हुआ है लेकिन कुछ बच्चे पता नहीं क्यों अभी भी ऐसा लगता है कि देखो तैयारी जब तैयारी जो होती है किसी भी चीज की बहुत पहले से शुरू हो जाती है लेकिन बच्चों की एक आदत है कि वो तभी तैयारी करते हैं प्रियंका एकदम सही रागनी बिल्कुल सही ठीक है तैयारी करना तभी शुरू करते हैं जब नोटिफिकेशन आउट आ जाए एग्जाम की डेट बिल्कुल सर पे रखी हो तब लगता है हम दस दिन में कुछ कर लेंगे और फिर पूछते हैं सर कहाँ से करें तो के बताओ ये बताओ बेटा अगर कोई आदमी लगातार कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करता है हंड्रेड परसेंट ही विल गेट सक्सेस ओके गे? क्या करेक्ट स्पेलिंग होगी जल्दी से बता दें एकदम सही बेटा कंपीटेंट की करेक्ट स्पेलिंग सी होगी कंपीट करना यानी के प्रतिस्पर्धा करना हु इज द हेड ऑफ सेंटर ऑफ पीच एंड स्पिरिचुअलिटी एट न्यू डेली बेटा पीस होना चाहिए ना ये पीछ ही होगा ठीक है एंड स्पिरिचुअलिटी एट न्यू डेली बेटा कौन था मौलाना वाहिद्दीन खान या मौलाना कल भी सदीक या सईद सेफी अब्बास नकवी या अब्दुल हक आजमी विचवन इज द करेक्ट आंसर याद आ गया होगा बेटा की यह पैसेज किसके बारे में था गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चे जल्दी से आंसर दो क्या था ए बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं जिन बच्चों ने पैसेज पढ़ा होगा उनको पता है मौलाना वाहिउीन खान के बारे में पूरा पैसेज था इन्हीं को लेके बेटा रिलेशन में लिखा गया था बहुत बढ़िया नेक्स्ट बताओ बच्चे नेक्स्ट क्या है ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ कंफ्रेंटेशन एंड वायलेंस विच ऑफ द फॉलोइंग बेटा कौन सा क्या था इज द रूट ऑफ पॉलिटिक्स था ऑफ कंफ्रेंटेशन कहा एंड वायलेंस का बेटा कौन था ये सुपरमेसिस्ट uh, आइडियोलॉजी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन या विक्टिमहुड सिंड्रोम या फिर हारमेनेटिकल पावरटेल वॉट इज द करेक्ट आंसर जल्दी से मार्क करें थैंक यू बेटा थैंक यू नीरज ओके okay? बेटा कोशिश यही है कि कल वाली सीरीज भी आई बी में बहुत आपको बेनिफिट पहुंचाएगी ठीक मार्क करो क्या आंसर होगा अगर बेटा पढ़ाए तो सही से आंसर बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट ऑफ पॉलिटिक्स कौन सा रूट है पॉलिटिक्स का एंड वायलेंस में, में आइडियोलॉजी ये है या रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है या फिर विक्टिमहुड सिंड्रोम है या हारमेंटिकल पावटल है आंसर करें मुझे लगता है ये वाला पैसेज पढ़ा है लेकिन बच्चों को आंसर सही समझ नहीं आ रहा है बेटा सी विल बी द करेक्ट आंसर विक्टिमहुड सिंड्रोम इज द करेक्ट आंसर ओके दिस इज़ द करेक्ट आंसर आ जाओ बेटा आगे शुरू करते हैं सुपर मिसिस्ट आइडियोलॉजी नहीं है, से है। उससे रिलेटेड सारे ईडीएम फ्रेजेस जो भी फ्रेजल वर्ब कुछ उसके बाद बेटा आपको एडिटोरियल पढ़ने के लिए दिया जाएगा आप इस एडिटोरियल को पढ़ के आएंगे ठीक है इसका थर्टी परसेंट पार्ट हम आपको अभी समझा देंगे एग्जाम्पल की मदद से ठीक और सेवेंटी परसेंट जो नॉर्मल सा पार्ट होता है बेटा वो आपको पढ़ के आना है और फिर आप कल इसका टेस्ट देंगे ठीक है तो सब लोग तैयार हैं तो एक बार बेटा थम्सअप कर दो फटाफट से ओके शुरू करता हूं पैसे एक बार सब लोग थम्सअप कर दो हंड्रेड परसेंट देख सकते हैं बच्चे अमर इसका मतलब होता है पावर्ट का मेन पार्ट बेटा मेन पार्ट ठीक है मेन पार्ट होता है बेटा शुरू करूं आ जाओ कॉस्मोपॉलिटन बेटा जो कॉस्मोवर्ड होता है कॉस्मो का वर्ड कहां से लिया गया है बेटा कॉस्मोवर्ड का मतलब ही होता है यूनिवर्स ठीक है कॉस्मोवर्ड का मतलब क्या होता है बेटा कॉस्मो वर्ड का मतलब होता है यूनिवर्स ठीक यूनिवर्स होता है ना कॉस्मो कॉस्मोपॉलिटन कॉस्मोरेज सुना तो होगा यूनिवर्स

द क्लब हैज अ कॉस्मोपोलिटन एटमोसफेयर जो क्लब है ना उसका एटमोसफेयर कैसा बेटा कॉस्मोपोलिटन है बिल्कुल सही बात है सो पीपल फ्रॉम ऑल द कंट्रीज कैन बी द मेंबर ऑफ इट और इसीलिए किसी भी देश का जो इंसान है वो इसका मेंबर बन सकता है जैसे आप दिल्ली में जाएं तो बहुत सारे कॉस्मोपोलिटन क्लब आपको मिल जाएंगे जहां आप देखेंगे पीपल फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज आर द मेम्बर ओके आर द मेम्बर देयर वो सब वहाँ के मेम्बर हैं जमेकिया इज अ वेरी कॉस्मोपोलिटन आइलैंड एक बहुत कॉस्मोपोलिटन आइलैंड है सो पीपल फ्रॉम अमेरिका इंडिया एंड नेपाल एंड नेपाल लिव हियर तो कुछ लोग बेटा कहाँ के अमेरिका से इंडिया से या नेपाल से यहां रहते हैं इसका मतलब दैट शोज द आइडिया ऑफ कॉस्मोपोलिटन ओके डोंट बी अ कॉस्मोपोलिटन स्टूडेंट वेल प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बेटे आशीष इसका मतलब क्या होगा कि मतलब अलग अलग मत भागो कॉस्मोस नाम से हॉस्पिटल भी है हां बेटा मुरादाबाद में होगा कॉस्मोस हॉस्पिटल तो उसका मतलब यही होगा ना कि हम पूरे यूनिवर्स में किसी का भी इलाज कर सकते हैं ठीक है गुड सर, क्या ये वॉकअब एस एस सी सी के लिए भी पढ़ सकते हैं हंड्रेड परसेंट कर वॉकैब के लिए कोई डिफाइंड बुक नहीं है कि आप इसी बुक की वॉकैब पढ़ेंगे तो यहां से पूछा जाएगा वॉकैब मतलब एक वर्ड पावर है आप उसको किसी भी एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं और न्यूज के जो वर्ड्स होते हैं ये पूछे भी जाते हैं ओके यूएस के पहले आर्टिकल अफ लगेगा द यूएस बिहेव्स एज uh, लाइक like, एक साथ आता ही नहीं है ठीक uh, है ना एज ही इज द ओनली अ कॉस्मोपोलिटन कंपनी ठीक है अवधेश क्योंकि एज कंजंक्शन है और एड भी हो सकता है लाइक like वहाँ बेटा प्रपोजिशन है तो दोनों शब्द एक साथ नहीं आएंगे सजी तांडव सीरीज में आपको मुश्किल भी आई होगी ना बिकॉज पूरी इंग्लिश को आठ घंटे में पढ़ाना बेटा नीरज कुछ चीजें अपने फेस से पता चल जाती हैं जब मैं उसको पढ़ा रहा था ना शायद आप मेरा फेस पेज देख के समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा टेंशन थी ओके कोई बात नहीं है द ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी मैनी स्टूडेंट्स बेटा एट द ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी ऐसे लिखो एट ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी आर्टिकल दा भी नहीं आएगा many strengths are cosmopolitan, okay? तो सेंटेसुद यूनिवर्सल ब्रदरहुड एज ही वॉज अ कॉस्मोपोलिटन ठीक है बेटा ग्रेट कॉस्मोपोलिटन ये सही आज आगे बात करें बेटा एग्जाम्पल ऑफ एडिटोरियल कहता है दीज वेरी डेवलपमेंट्स है ना ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं ना फॉस्टर द ग्रोथ ऑफ हरिद्वार ये फोस्टर करते हैं बढ़ाते हैं ग्रोथ ऑफ हरिद्वार की एंड कलसी की एज कॉस्मोपॉलिटन टाउन की ये दोनों क्या है ये दोनों के दोनों कॉस्मोपॉलिटन टाउन है यानी कि आप विदेशी आ सकते हैं एंड एज गेट वे इन टू द हिमालया दैट इज द गेट वे टू द हिमालयास क्या आप यहाँ से हिमालयाज में भी जा सकते हैं दैट इज कॉल्ड द गेट वे ओके वन कैन फाइंड डिफरेंट मॉडलिटीज है इन कॉस्मोपॉलिटन सिटीज बिल्कुल सही बात है नूरी मुशर्रफ़ बहुत बढ़िया बेटा ऐसे बनाया करो चीजें मिला मिला के तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या हुआ एक तो बड़ा आसान सा वर्ड है बेटा इंटरनेशनल बिल्कुल सही बात है और दूसरा होगा बेटा कौन सा मल्टी रेशियल अलग अलग रेस से बिलोंग करने वाले बेटा प्रोवेंसियल आपने सुना होगा प्रोवेंस होता है ना कोई प्रांत तो प्रांतीय होगा और लोकल हमें पता है कि हमारे यहां का होगा ठीक है आसान है समझना तो हमने वर्ड कहा बेटा क्या होगा कॉस्मोस कॉस्मोस वेराइटी मतलब जिसके अंदर बहुत सारी वेराइटी हो दैट इज कॉल्ड द कॉस्मोस ठीक बहुत बढ़िया जो नेक्स्ट है बेटा मैंडिकेंट बेटा बहुत पूछा जाने वाला वर्ड मैंडिकेंट

हैड फ्लॉगड इन टू द सिटी वो क्या हो चुके हैं भर चुके हैं किस में इन टू द सिटी में यानी कि जो अलग अलग डोमिनेशन है जिनका अलग अलग मतलब कोई कास्ट है क्रीड है डोमिनेशन है बेटा वो सबके सब शहर के अंदर भरे जा चुके हैं ओके okay? आ चुके हैं मेल मेंबर्स ऑफ द मैंडिकेंट जो मैंडिकेंट के मेल मेंबर्स हैं यानी कि आप जो भिक्षुक होते हैं उनमें जो मेल मेंबर्स हैं मेंबर्स मैंडिकेन्ट ऑर्डर्स ऑल्सो एक्टिड एज नर्स इन द मिडिल ऑर्डर करते हैं also acted, उन्होंने काम किया है एज द middle ages. Middle ages नर्स इन द मिडिल भी काम करते थे यानी कि लोगों की मदद भी कर सकते थे करते थे सी डी एस के इंग्लिश के लिए बेटे यूट्यूब पर सीरीज शुरू करने वाले हैं और प्रैक्टिस बैच अभी नहीं है बेटा प्रैक्टिस बैच भी लेके आएंगे बहुत जल्दी सर आई एम अफ टू मदर्स होगा या आई एम अफ टू मदरस होगा आई एम आ सन ऑफ टू मदर्स होगा या आया बेटा ऑफ का मतलब आता है पॉजिजन के लिए तो आप ऑफ भी सही लगा रहे हो ठीक है ना और टू का मतलब देखो दो चीजें अलग अलग है बेटा सुनो ऑफ का मतलब हो गया कि यूविजन इसका तो ये मतलब हो जाएगा ठीक है सन ऑफ टू मदर्स मतलब मेरा दो मदर के ऊपर पॉजिजन है और सन टू टू मदर्स का मतलब है आई हैव द responsibility ऑफ टू मदर्स वन इज that एंड द second इज that. तो मेरे हिसाब से तो बेटा दोनों आंसर सही हैं क्योंकि दोनों का मीनिंग अलग अलग है जैसे आई एम द सन टू आई एम द फादर टू टू डॉटर्स मैं दो बेटे का फादर हूं इसका मतलब मैं उनको कहना चाह रहा हूं कि मैं उनका पालन पोषण मैं करता हूँ ठीक है तो टू बेटा ऐसे यूज हो सकता है आगे बच्चे नीरज सिखावत आपको समझ ठीक है आ जाऊँ I can see many mendicants. बेटा mendicants आएगा. noun है, s लगाओ, plural करो इसको बच्चे. सरोज, I can see many mendicants in temples of India. बिल्कुल सही करें. और in the temples of India होगा, क्योंकि article लगाना पड़ेगा. Temples fixed है कौन से वाले? जबकि temple के पहले article नहीं आते हैं. Initially mendicants in search of retreats. या मर्चेंट्स ईगर टू एंड लार्ज ट्रेडिंग नेटवर्क मतलब इनिशियली जो शुरुआत में देखा गया ना मैंडिकेंट जो थे इन सर्च ऑफ के लिए या मर्चेंट्स के लिए जो घूमते थे ना ईगर टू एनहेंस एंड लार्ज ट्रेडिंग नेटवर्क वो क्या करते थे ट्रेडिंग नेटवर्क को बेटा बहुत ज्यादा बढ़ा देते थे ठीक है सो अ मेंबर ऑफ अ रिलीजियस ग्रुप हु लिव्स बाई आस्किंग पीपल फॉर मनी एंड फूड किसी एक धर्म के लोग होते हैं जो लोगों के ऊपर पैसे के लिए या फिर खाने पीने की चीजों के लिए क्लोथिंग के लिए डिपेंड करते हैं दैट इज कॉल्ड द मैंडिकेंट ओके रियली सॉरी टू हियर मुकेश किसके यहां पे प्रॉब्लम होगी बेटा ठीक है मैंडिकेंट का मतलब क्या होगा दैट विल बी दैटर बिल्कुल सही बात है और वेग्रेंट मतलब यही होते हैं बेटा भिक्षुक लोग ठीक है अब अपोजिट क्या होगा बेटा मैग्नेट होंगे बढ़िया ठीक और दूसरा होगा बेटा प्रोपराइटर जिसका किसी के ऊपर अधिकार है पूंजीवादी लोग ठीक है ऐसे बना सकते हैं सम इंपोस्टर्स हु डोंट वॉन्ट टू डू एनी हार्ड वर्क टू अर्न मनी एक्ट एज एंड लिव लाइक लिव लाइफ लाइक दैट हाँ बेटा सही है थ्री पी एम प्रदीप ठाकुर मुझे आइडिया नहीं है अभी कोई लगा होगा तो मैं बता दूंगा सम आपने नूरी मुशरफ बिल्कुल सही यूज किया है बेटा क्या बात है आजकल तो अच्छे सेंटेंस लेके आरो बच्चों सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दो फटाफट बेटा देखो आपने कहा मैन डाइकंट मतलब अलग अलग कर दिया मैन डाइकंट मैन डाइव बिकॉज दे कैन नॉट वर्क दे बैक टू सरवाइव मतलब मैन मर जाते हैं क्योंकि वो काम नहीं करते हैं तो क्या करते हैं वो एक रास्ता चुन लेते हैं दैट इज कॉल्ड मैंडिकेट का यानी कि भिकारी बनने का ओके वालन बच्चों मैनी आर मैंडिक इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल्स ओके बेटा आर सिट क्यों लगा रहे हो आर इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल ऐसे कर लो ठीक है ना नेक्स्ट देखो बेटा आर्टिजन आर्टिजन बहुत काम का वर्ड है बेटा आर्टिजन जैसे देखो ये लोग बनाते हैं ना ये कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है आ, कुछ लोग मट्टी के बर्तन बनाते हैं पॉटर्स होते हैं तो वो आर्टिजन है मतलब उनका एक आर्ट का काम है हैंडीक्राफ्ट जैसे जैसे आपने कहा अ आप पर्सन हु डज वर्क दैट नीड्स अ स्पेशल स्किल उसको कुछ स्पेशल स्किल की जरूरत है ठीक है आपने कहा मेकिंग थिंग्स विद हैंड्स वो अपने हाथ से चीजें बनाता है दैट इज कॉल्ड द मैंडिकेंट ओके हमने बात कैसे की बच्चे द हैंड वोवन टेक्सटाइल्स वर मेड बाई स्किल्ड लोकल आर्टिजन द हैंड वोवन जो हाथ से बुनी गई बेटा क्या है टेक्सटाइल्स है ना Were made by local वो लोकल के द्वारा बनाई गई है बहुत बढ़िया एंड यून हाउ एटीन सेंचुरी पता चलेगा अठारवी शताब्दी के जो आर्टिस्टेंट थे ना डिड वर्क वो अपना काम कैसे कर, करते थे मतलब यू कैन बी सरप्राइज टू सी सीधी सी बात है पुरानी आर्किटेक्ट देखो जैसे ताजमहल बना है तो उस पर जो आर्टिजेंट काम करते थे यू विल बी सरप्राइज टू सी पुराने टाइम पे जितनी भी चीजें बनी थी आप अगर देखते हैं तो वहां भी तो आर्टिजन थे यू विल बी सरप्राइज टू सी कि वो कैसे ये सब काम करते थे तो दैट इज कॉल्ड द आर्टिजन ओके नेक्स्ट देखो बच्चों नेक्स्ट बात करें आर्टिजन अब देखो कैसे यूज किया गया एडिटोरियल में इन देअर क्वेस्ट टू स्टैब्लिश प्रिंसिपलिटीज मतलब उनकी जो क्वेस्ट थी ना क्वेस्ट होता है ना एक ललक होती है कुछ करने की स्टैब्लिश करने की प्रिंसिपलिटीज हम कुछ अधिक सिद्धांत बनाए एंड आर्टिजन इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट और आर्टिजन किस में इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट में पास थ्रू दीज गेटे टाउन मतलब वो कहां से निकले इन गेटवे टाउन से निकले यानी कि हो सकता उन्हें यहां बहुत अच्छे आर्टिजन मिल गए हो बहुत बढ़िया बच्चे सर बहुत सेशन थैंक यू बेटा थैंक यू थैंक यू बच्चों टीचर्स आर द आर्टिजन ऑफ द स्टूडेंट्स लाइफ बिल्कुल सही बात है बेटा एकदम समझ लो हम आपको क्या बात बताते हैं एक बड़ी सीधी सी बात है यू ऑल आर द डायमंड वर्ल्ड तुम सारे के सारे बेटा डायमंड हो इधर यू हैव टू श्योर सेप योर सेल्फ या तो तुम्हें खुद को शेप देना होगा टू आई मेक योर सेल्फ वैल्यूएबल और वी विल प्रोवाइड यू टू गिव यू द शेप या फिर बेटा हम आपको शेप देते हैं और आप सबको पता है कि डायमंड तभी महंगा हो सकता है जब उसके अंदर एक अच्छी शेप बना दी जाए तो शेप बनाने के बेटा दो ही तरीके हैं या तो आप खुद बना लें या फिर हम लोग आपको एक बहुत अच्छी शेप दे दें और तब आपकी वैल्यू अनलिमिटेड होगी मार्केट के अंदर तो सीधी सी बात है बेटा शेप बनानी है एनी हाउ हमें अपनी कीमत डिसाइड करनी है तो वी आर वर्किंग एज अ हियर और हम चाहते हैं कि बच्चों आपको एक बहुत वैल्यूएबल इंसान बना दिया जाए सेम थिंग थैंक यू बच्चों आ, बेटा मोती तो मैंने वर्ड्स के लिए बोला था है ना मैंने वर्ड्स के लिए बोला था मोती होते हैं वर्ड्स और नूरी आप हो बेटा डायमंड ठीक बहुत अच्छे आ जाओ बेटा बड़ी अच्छी बात है बेटा समझे आगे नेक्स्ट देख लो शिल्पकार बेटा कौन होते हैं क्राफ्ट्समैन आसान वर्ड है मास्टर हो सकते हैं बेटा किसी चीज के एक्सपर्ट हो सकते हैं मैंटोर हो सकते हैं और नया नया क्या होगा बेटा नोविस तो पूछा जाता है ना इसी के साथ आपने पढ़ा होगा सर एक वर्ड होता है, टी वाई होता, फाइट होता है और रुकी बेटा नया नया वर्ड होता है मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस की कमी हो तो आपने कहा आर्टी या आर्टिस्ट सन सन दिन ऑफ आर्टिस्ट इज मैनुअली स्किल्ड वर्कर और क्राफ्ट बिल्कुल सही बात है पुराने समय में यह था ना कि आर्टिस्ट का बेटा जो होगा वो भी आर्टिस्ट होगा तो दैट इज कॉल्ड द आर्टिजन ओके बिल्कुल सही बात है मैंने कहा था शब्द मोती होते हैं जितने संभालोगे बहुत अच्छा होगा द कॉर्ना टेम्पल शोज द आर्ट ऑफ ग्रेट आर्टिजन करो ऑफ दैट एरा बिल्कुल सही बात है बच्चे इसको आप ऐसे करो अमन अच्छा लिख रहे हो द कॉर्नाक टेम्पल द कॉर्नार्क टेम्पल शोज द आर्ट ऑफ ग्रेट आर्टिजन ऑफ दैट एरा उस एरा के जो ग्रेट आर्टिजन है उनके बारे में बताते हैं उस्ताद अहमद लाहौरी द द आर्टिजन ऑफ ताजमहल बिल्कुल थैंक यू बच्चे अच्छी इंफॉर्मेशन लिखी है आर यू द सेम हु लाइक बी फॉर भूत इमरान अली क्या बात है बेटा इमरान अली बहुत दिन पुरानी पुरानी बातें बात कर रहे हो बेटा आ जाओ बेटा सुय करना देख रहे हो बिल्कुल पिक्चर आपको सुबह करते दिखाई दे रही है दैट इज कॉल्ड द कर जाना बेटा या तो प्रभाव डालना कह दो तो, या फिर डोलना कह दो तो, हिल जाना क्या होता है कंट्रोल और इन्फ्लुएंस हो जाएगा कोई चीज या फिर टू मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड बेटा होता है ना कि कभी कभी कहते हैं कि उसकी पावर स्वे कर गई यहां से वहां चली गई या फिर कहते हैं मेरा दिमाग स्वे कर गया कार बहुत तेज चल रही थी और एकदम से कोई सामने आ गया तो कार स्वे कर गई आपने इधर उधर खिला दी ठीक है दैट इज कॉल्ड द स्वे करना तो क्या होगा बेटा हर पेरेंट्स नो लॉन्गर सीम टू हैव मच स्वे ओवर हर मतलब हर पेरेंट्स उसके जो पेरेंट्स है ना बच्चे नो लॉन्गर सीम ऐसा नहीं दिखाई देते टू हैव मस्ट वे ओवर हर कि वो उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव करने वाले हैं यानी कि ज्यादा स्वे करने वाले हैं द ट्रीज इज स्विंग इन द विंड जैसे हवा चलेगी ट्री क्या कर देंगे बेटा स्वे कर देंगे ठीक है आप दो तीन बाद ऐसे करके देख लो दैट इज कॉल्ड द स्वे हम स्वे कर रहे हैं ओके तो बड़ा आसान सा वर्ड है याद रह जाएगा ओके बहुत बढ़िया बच्चों एक बार सेशन को बच्चे लाइक और शेयर कर दो दैट इज सुवे बहुत अच्छे और जो देखो बेटा वकैब आसान तभी हो सकती है जब आप लंबे समय तक पढ़ोगे एक दिन में वकैब का कोई समाधान नहीं है यह आप बिल्कुल समझ जाओ दैट्स वाई द मैन कॉल्ड देयर जूनियर रूकी इन द मूवी आउट ऑफ द वार बिल्कुल अब आगे समझ बेटा रूकी होता बेकार का बिना किसी काम का ठीक है तो सुवे का मतलब क्या हो गया जैसे आपने कहा दीज अर्ली अर्वलपमेंट एट जागेश्वर आर द रिलेटेबल टू द सुवे ऑफ द क्या है बेटा पशु पत्रास एंड अदर शिवा एंड जो एसेटिक्स थे ना मानने वाले उसके लिए था बेटा तो दीज अर्ली डेवलपमेंट जो पुराने डेवलपमेंट आपको दिखाई देते हैं जागेश्वर के बेटा क्या है वो आर रिलेटेबल हैं जुड़े हुए हैं टू द स्वे ऑफ द मतलब किसके प्रभाव से बेटा या उसके मतलब इधर उधर मूव स्लोली का मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब उसी के मूवमेंट से जुड़े हुए ऑफ द के एंड अदर सेवा से, से. मतलब उन्हीं सबसे बेटा जुड़े हुए जो शिव के एसेटिक्स थे ओके सो वेल डन बच्चों द पिलर्स ऑफ बिल्डिंग्स स्वे ड्यूरिंग द अर्थक्वेक बिल्कुल सही बात है बेटा वो स्वे करके अर्थक्वेक के बीच में बेटा ऑसिलेट करना होता है ऑसिलेट करना किसी चीज को पल्स जैसे होता है ना ऊपर नीचे करना इन्फ्लुएंस करना प्रभाव डाल देना बिल्कुल सही बात है बेटा कॉम्प्लाई बहुत वर्ड पढ़ा है कॉम्प्लाई कर जाना किसी की बात मान लेना झुक जाना और कर जाना ठीक है बहुत अच्छा जो हमने कहा बोध वे

द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 फिफ्टी सेवन इन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया बिल्कुल सही बात है कि उसने जान डाल दी स्वामी विवेकानंद स्वेट द यूथ विद हिज टीचिंग्स बिल्कुल सही बात है स्वामी विवेकानंद ने लोगों को अपनी टीचिंग से स्वेट कर दिया रिजल्ट ऑफ वेस्ट बेंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली विल स्वे एवरी वन बेटा स्वेट नहीं आएगा स्वय आएगा ठीक है रिजल्ट ही तो लोगों का दिमाग खिला देंगे बेटा रिजल्ट को आप ऐसे डूअर यूज कर रहे हो ना तो आप ऐसे करो अमन चौहान द रिजल्ट ऑफ वेस्ट बेंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली विल स्वे एवरी वन दैट शुड बी द करेक्ट आंसर मैनी पीपल इन द फिल्म इंडस्ट्री आर आर स्वेड होगा बेटा या अगर आप चाहते हो ऐसे लिखना एक्टिव वॉइस में तो दोस्त पीपल आएगा क्योंकि ये कौन है ये सारे के सारे लोग डुअर्स हैं तो प्रदीप एक्टिव पैसिव का थोड़ा ध्यान करो आज बच्चे तो एंटुरे क्या एंट्यूरेज कौन होते हैं बेटा रक्षक देख लो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में इतने सारे रक्षक हैं दैट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्रेवल विद एन इंपोर्टेंट पर्सन बेटा कुछ ऐसे लोग जो किसी बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रोमिनेंट डोमिनेंट कैसा भी वर्ड कह लो उसके साथ घूमते हैं जैसे आपने कहा द स्टार अराइव इन लंडन विद हर यूजुअल एंटूरेज ऑफ डांसर्स एंड बैकिंग सिंगर्स मतलब पूरे अपने ग्रुप के साथ आया यूजल एंड के साथ किसके बच्चे उसमें डांसर्स भी थे और बैकिंग सिंगर्स भी थे शी ऑलवेज हैज एन एंटूरेज ऑफ एडमायरिंग यंग मैन उसके चारों तरफ हमेशा वो लोग घूमते रहते हैं जो उसको एडमायर करते हैं यानी कि कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप उसके साथ हमेशा रहता है ओके okay? नेक्स्ट <coughs> देखो हाँ मोदी जी विल इजीली इजिली किसान रैली बिल्कुल बेटा प्रभाव भी डाल सकते हैं और हिला भी सकते हैं आजों एंड बाई द थर्टींथ सेंचुरी लार्जर एंड टूरेंज ऑफ एसेटिक्स बट लार्जर एंड कौन मतलब जो उनके रिक्षक थे बेटे एसेटिक्स के एंड ओकेजनली रूलर्स फ्रॉम डिसेंडेंट एट लैंड बिगेन अंडरटेकिंग प्रिग्रीमेज मतलब क्या हुआ कि एंड बाय द थर्टीन सेंचुरी बेटा जब आप ये बढ़ते हो तेरहवीं शताब्दी लार्जर एंड ऑफ किसके एसेटिक्स के बेटे एंड ऑकेजनली रूलर्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड और जो ऑकेजनली रूलर्स थे ना किसे डिस्टेंट बहुत दूर वाले लैंड से बिगेन अंडरटेकिंग पिलग्रिमेज क्या कर लिया बेटा वो पिलग्रिमेज को अंडरटेक करने लगे यानी कि उनका साथ उनको अंडरटेकिंग करने लगे उनको मानने लगे ठीक है दैट इज कॉल्ड पिलग्रिमेज पिलग्रिमेज क्या होता है कोई भी धार्मिक यात्रा जैसे बेटा रिटेन्यू होता है किसी का रिटेन्यू आपने जरूर सुना होगा प्रीवियस ईयर में आया हुआ वर्ड है रिटेन्यू होता है एक जैसे मानो राजा खाना खा रहा है तो उसकी फूड चेन लेके आ रहे हैं राजा के साथ जो लोग घूमते रहते हैं रिटेन्यू होते हैं कंपनी बड़ा आसान वर्ड है कंपनी तो किसी का भी हो सकता है कि फ्रेंड्स की कंपनी में रहना पसंद करता ओके वी शैल बी एंटूरेज बेटा वी शैल बी एंटूरेज क्यों होगा एंटूरेज होगा और पहले देखो नाउन है है ना ये नाउन है बेटा तो आप इसको नाउन के जैसे यूज करोगे या फिर इसको वर्ब बनाओगे तो ईडी लगाओगे ओके okay? ऐसे करो आशीष आई वॉन्ट माई ऑन एंटूरेज ये बिल्कुल सही है कि सरोज कहते हैं मुझे अपने एंटूरेज की जरूरत है एवरी आई एस ऑफिसर है बेटा उसके साथ एक ग्रुप होते हैं कुछ ग्रुप होते हैं जो उसकी मदद करते हैं उसकी प्रोटेक्शन करते हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग धीरेन्द्र कुमार कैसे हैं आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दो थैंक्स बच्चों इसका मतलब क्या होगा अच्छा एंट बेटा इसको याद करना आसान था देखो आप ये कर दो इसमें देखो दोबारा तो बड़ा आसान है भाई मैं किसी टूअर पे गया ठीक है ना वहां रेज आ गया गुस्सा हो गए रेज वाने भड़क जाना होता है ना कुछ लोग भड़क गए तो आपने कहा नहीं मेरे पास एंटरेज है यानी कि टूअर में मेरे मेरी मदद करने के लिए कुछ लोग है दैट इज कॉल्ड एंट्यूरेज ओके बात समझ गए इसका मतलब याद करना आसान है एक बार सब लोग बेटा थम्सअप कर दो बहुत बढ़िया एकदम याद करना आसान है को बेटा एडिफाइस, बेटा एडिफाइस क्या है है बड़ा अच्छा वर्ड ये आप देख पा रहे हो पूरा का पूरा महल बेटा ये क्या है ये एक एडिफाइज है एडिफाइज होता है बच्चे अ लार्ज इंप्रेसिव बिल्डिंग एक ऐसी बिल्डिंग जिसे आप देखते हो जैसे किसी भी कला का एक नमूना उसको आप एडिफाइज कहते हैं जैसे आपने कहा सिस्टम दैट हैज बीन इस्टेब्लिस्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एक ऐसा सिस्टम जो बहुत लंबे समय से चल रहा है जिसकी आप एग्जाम्पल देते हो दैट इज एडिफाइस का मतलब क्या होता है देखते हैं दाउन हॉल इज द ओनली एडिफाइस सर्वाइविंग फ्रॉम द फिफ्टीन सेंचुरी पंद्रवी शताब्दी से यदि कोई बिल्डिंग टिकी हुई है जिसके हम कला का नमूना है यानी कि एग्जाम्पल देते हैं वो एडिफाइज क्या है वो टाउन हॉल है समझ आ बच्चे दैट इज कॉल्ड द टाउन हॉल इज देअर आप जैसे रेड फोर्ट को एडिफाइज कह सकते हो बच्चे ताजमहल को कह सकते हो कुतुब मीनार को कह सकते हो अपने बहुत सारे मंदिर हैं उन टेम्पल्स को एडिफाइज कह सकते हो इट लुक्स एज इफ द होल पॉलिटिकल एडिफाइज इट लुक्स ऐसा लगता है एज इफ यदि द होल पॉलिटिकल एडिफाइज ऑफ द कंट्री इज अबाउट टू कॉलेप्स की जितनी भी पॉलिटिकल एडिफाइस है ना जो हमारी धरोहर है वो सारी की सारी बेटा कॉलेप्स होने वाली है गिरने वाली है टूटने वाली है न्यू पार्लियामेंट विल बी दल्दी डेमोक्रेसी बिल्कुल आफ्टर क्लियरिंग सी डी एस क्या बात है सरोज बहुत अच्छे इवन दो पुलिस ऑफिसर्स आर डू हार्ड वर्क टू रीच देयर बट दे विल बी दिल बी बेटा सेंटेस कुछ गलत है ना बट दे विल नॉट बी द मतलब दे डिडेंट प्ले द रोल ऑफ एंट्रेज ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स ठीक है ऐसे कुछ लिखना होगा मैनी अंग शोज इज लव टू प्रिंसेस बट अ क्वीन आएगा ना किंग की क्वीन होती है बच्चे बाय बिल्डिंग एंड एडिफाइस बेटा एडिफाइस नाउन है ना प्लेस नहीं लगेगा आशीष कुमार कुछ चीजें चेंज करनी है ठीक है सही है। आ, प्रिंसेस से अच्छा आप 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 अच्छा होगा होगा, बेटा, वो कर ले। वैसे आप कैसे तो अपनी बेटी के लिए बनाया तो यदपि ऐसा वर्क उसके जो फॉलोअर्स थे ना प्लेड अ रोल इन कंस्ट्रक्शन टेम्पल्स एट बेटा कहा पंडुकेश्वरा में वे बिल्ट इन द द्रोविदा बेटा जहां क्या बने हुए थे मेडिवल एडिफाइसेस बने हुए थे बहुत सारे बेटा पुराने बड़े बड़े महल मंदिर बने हुए थे अब हमने बात की बेटा क्या होगा एक बिल्डिंग हो सकती है या फिर कोई स्टेब्लिशमेंट हो सकता है किसी रूल का किसी रेगुलेशन का अपोजिट क्या होगा रुईंस बेटा खंडर होते हैं समझ लेना एक और बात है आर यू आई एन यदि आप इतने लिखोगे तो ये बन जाएगी वॉब जैसे आपने कहा ना ही रुइंड बर्बाद कर दिया रुइंस व नाउन होता है बेटा इसका मतलब होता है खंडर और ये नाउन हमेशा प्लुरल ही यूज होता है हमेशा रुइन्स लिखा जाता है और इसीलिए इसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होती है वो भी प्लुरल ही यूज होती है ये रूल याद कर लेना ठीक है आ जाओ रैक हो जाता है बेटा किसी चीज का रैक हो जाना टूट जाना नष्ट हो जाना खत्म हो जाना दैट इज कॉल्ड अ रैकिस ओके बेटा बिल्ड होगा विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ प्रदीप ठाकुर ओके हवा महल इज द फेमस एडिफाइस ऑल ओवर द कंट्री है ना ऐसे कर सकते हैं बच्चे नेक्स्ट देखते हैं आपने आप कहा, हेड प्लस ऑफिस मीन बिग साइज बिल्डिंग हेड ऑफिस मतलब क्या है है, बेटा? दिया, ये यानी कि हमारा डिफाइंड ऑफिस है इसका मतलब जो डिफाइंड ऑफिस होगा हेड ऑफिस होगा वो बड़ी बिल्डिंग होगा ठीक देखो बड़ा काम का वर्ड देख लो बच्चे लड़, लड़की कहां लटकी हुई है अपने आपे को प्रूव करने के लिए तो व्हाट इट इज कॉल्ड बेटा ये कहलाता है एंट्रीपिट क्या कहलाता है बेटा इंट्रीपिट कहलाता है इसका मतलब होता है निडर बिल्कुल भी ना डरना ओके ये एक एडजेक्टिव है जो आपकी क्वालिटी बताता है तो ये क्वालिटी आप में से बहुत बच्चों के अंदर हो सकती है पीपल्स हु आर लाइक आई एन एस विराट वॉन्ट्स बेटा वॉन्ट्स नहीं आएगा वॉन्ट आएगा और पीपल्स नहीं होगा पीपल होगा समझ गए पीपल सबके सब आ जाते हैं ना इन जर्नल तो हु आर लाइक आईनेस विराट वांट दैट आईनेस विराट वाज नॉट ब्रोकन मेड अप ऑफ मेमोरियल एडिफाइस बिल्कुल समझ गए ऐसे कर लेते हैं बच्चे तो इसको क्लियर करो आप क्वेश्चंस को नेक्स्ट आज सर आई थिंक मुझे ब्लॉक कर दिया गया है नहीं नूरी मुशरफ ऐसा कोई नहीं करेगा अभी तो कोई ऑफिस में है भी नहीं ब्लॉक कौन करेगा आपको आ जाओ आपने कहा ट्रेडर्स एंड मिशनरीज ऑफन प्रूव्ड प्रूवड टू बी इंट्रीपिड एक्सप्लोर कौन बच्चे जो ट्रेडर्स होते थे जो मतलब आ, ट्रेड करते थे या मिशनरीज होते थे जो क्या करते हैं अपने धर्म को फैलाते रहते हैं ठीक है ऑफन प्रूव वो अक्सर प्रूव करते हैं अपने आप को टू बी इंट्रीपिड एक्सप्लोरर्स वो बहुत बेटा निडर एक्सप्लोरर्स हैं क्योंकि वो डरते नहीं है और किसी भी कंट्री में बात कर लेते हैं लोगों से किसी भी जगह पे चले जाते हैं एक्सप्लोर ठीक है ट्रेडर्स आपने कहा इंट्रीपीट पायोनियर्स केम टू कैलिफोर्निया बाई वेगन ट्रेन मतलब एक ऐसा पायनियर बेटा जो बहुत निडर है वो आया कहाम टू कैलिफोर्निया बाई वेगन ट्रेन वेगन ट्रेन से बेटा कहा गया कैलिफोर्निया आ गया इसका मतलब जो डरता ना हो निडर ओके okay? नहीं अमन वहां नहीं होती बेटा ये YouTube पे होती है फ्री फॉर ऑल बेटा सबके लिए एंड थैंक्स बच्चों नाइस टू सी यू द नंबर हंड्रेड टूडे है ना थैंक्स बच्चों थैंक्स फॉर द लव मॉर्निंग में बिल्कुल सही कुछ दिन एग्जाम होने के बाद में कुछ बच्चे कम आने लग गए थे बट थैंक्स फॉर ओके आ जाओ बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट देखो इंट्रीपिड को वेरी ब्रेव कहते हैं नॉट अफ्रेड फ्रेड ऑफ डेंजर और डिफिकल्टी जो खतरे से डरता ही ना हो अब क्वेश्चन क्या कहता है बेटा इन द मोर रिसेंट पास्ट इन द मोर रिसेंट पार्ट दे हैव बीन विजिटेड बाय उनको देखा गया बेटा किसके द्वारा इंट्रीपिड इंग्लिश मैन के द्वारा मतलब इन द मोर रिसेंट पास इंडिया तो बेटा उनको इंटरपिट इंग्लिश मैन माना गया जो ईगर टू पार्टिसिपेट जो उत्सुक थे पार्टिसिपेट करने के इन ऑन गोइंग एफर्ट्स टू मैप इंडिया जो इंडिया के मैप के लिए मतलब जानने के लिए उत्सुक थे ओके दैट इज कॉल्ड इंट्रीपिट बेटे याद रहेगा इंट्रीपिट बड़ा काम का वर्ड है नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है बच्चे आपका नेक्स्ट वर्ड कहता है इंट्रीपिट का मतलब हो गया अनेड मतलब साहसी यह आपको वर्ड बताया था डी एन टी डोंट माने डरा हुआ है ना और डॉन्ट लेस निर्भीक यानी कि जो डरता ना हो डोंट मतलब होता है घबराया हुआ अन डिसमेड जिसे आप बेटा डिस्मे नहीं कर सकते छुपा दबा नहीं सकते हैं बिल्कुल ओपन सबके लिए तो बेटा अपोजिट क्या हो जाएगा फियरफुल हो जाएगा तो डरा हुआ इन आंसार है या कवर्डली होगा बेटा कायर है ओके okay? तो दिस इज योर नेक्स्ट आ जो इन ट्रैप बेटा समझना इन ट्रीपीड को इन ट्रैप यू आर फियरलेस एंड कॉन्फिडेंट दैट यू विल कम आउट ऑफ इट बच्चे इन ट्रैप हो मतलब कहने का ये है अगर आप किसी ट्रैप में हैं ध्यान से समझना तो आप कोशिश क्या करोगे इस ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश करोगे और अगर आप कोशिश करोगे तो आप क्या बन जाओगे बेटा इंट्रीपिड बन जाओगे तो आप इसको ऐसे ही याद कर लो कि अगर आप किसी ट्रैप में हैं अगर आप इन ट्रैप हैं तो आपको क्या करना होगा बेटा आपको कैसा होना होगा आपको इंट्रिपिड होना होगा आपको ब्रेव होना होगा कि कैसे भी करके आपको स्टेप के बाहर निकलना ही है द इंट्रिपिट आर्मी ऑफ इंडिया गेव बैफिटिंग रिप्लाई टू चाइना बहुत बढ़िया बच्चे सीडीएस टू की बैच कब से आ रही है अंश कुमार एक तो बेटा अभी डेमो चल रहे हैं आज सेकंड क्लास है मैं आपको ये बता दूं जितने बच्चे बेटा सीडीएस के बारे में बात करें आज सेकंड क्लास है मेरी इंग्लिश की 11 बजे से बेटा ठीक है ये एप्लीकेशन पे भी होगी यूट्यूब पे भी होगी तो आप इसे फ्री में देख सकते हैं अभी डैमो चल रहे तीन दिन के लिए एक क्लास फ्राइडे हुई थी एक आज मंडे को है एक बेटा ट्यूजडे होगी ओके उसके बाद फिर ये क्लास सिर्फ एप्लीकेशन पर बच्चों के लिए होगी हाँ बेटा बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया मोनी आपने मोनिका यादव एवरी सोल्जर ऑफ एवरी कंट्री बेटा आर की होगा इज होगा प्रदीप ठाकुर जब एवरी के बाद में नाउन सिंगुलर आता है तो वर भी बेटा सिंगुलर ही लगाते हैं सेंटेंसेस पे थोड़ा सा ध्यान दिया करो ग्रामर की तो धज्जियां उड़ा देते हो कभी कभी सेंटेंसेस में तो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्या है लोफ्टी बेटा लॉफ्टी थॉट्स आपने सुना होगा तुम्हारे विचार बहुत लॉफ्टी हैं यानी कि बड़े ऊंचे बुलंद विचार हैं वेरी हाई एंड इंप्रेसिव बेटा पॉजिटिव होता है मतलब नेगेटिव नहीं है आपने कहा लॉफ्टी थॉट्स हैं यानी कि तुम सोचते बहुत अच्छा हो फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचते हो ठीक है नेक्स्ट देखते हैं आपने कहा द लॉफ्टी वॉल्स ऑफ द कैसल कैसल्ड इनप्रिग्नेबल सही है लॉफ्टी मतलब ऊंची ऊंची जो वॉल्स है ना बेटा किसकी तो जो लॉफ्टी वॉल्स हैं किसकी कैसल की सीम्ड कीबल ऐसा लगता है उन्हें कोई भेद नहीं सकता है द यूथ ऑफ आर कंट्री हैव लॉफ्टी आइडियल्स हमारे जो कंट्री के बेटा यूथ है उनके पास लॉफ्टी आइडियल्स हैं यानी कैसे आइडियल्स हैं जो बहुत लॉफ्टी हैं जिनसे आप अच्छा सोच सकते हैं आपने कहा आफ्टर 1962 सिक्सटी टू द इंडियन गवर्नमेंट रिकोगनाइज दैट द वर्ल्ड हाइएस्ट एंड लॉफ्टीएस्ट माउंटेन रेंज इन नाइनटीन सिक्सटी टू उन्नीस सौ बासठ में द इंडियन गवर्नमेंट रिकोगनाइज उन्हें पता चलता है दैट द वर्ल्ड हाइएस्ट एंड लॉफ्टियस्ट माउंटेन रेंज के कौन से हाइएस्ट और लॉफ्टीएस्ट माउंटेन रेंज हैं तो दैट इज कॉल्ड बेटा लॉफ्टी आप याद रखो आपके लॉफ्टी थॉट्स हो सकते हैं बड़े ऊंचे बुलंद लॉफ्टी थॉट्स मतलब बुलंद वाले बात बेटा पॉजिटिव होगा हिटलर थॉट वॉज थॉट्स वॉज क्यों होगा बेटा जब अच्छा थॉट था वेरी लॉफ्टी बिल्कुल द लॉफ्टीएस्ट माउंटेन आर द ग्रेट हिमालयास एकदम सही है आ, मोदी जी हैव हैव बेटा मोदी जी क्यों होगा होगा हैज हैज हो ना अ लॉफ्टी वॉइस होगा सरोज मोदी जी सिंगुलर है बेटा वर्ब सिंगुलर लिखेंगे थैंक यू बच्चों आ जाओ हमने लॉफ्टी का मतलब कहा जॉइंट बहुत बड़े बेटा ठीक है ना और टॉवरिंग हो सकता है टॉवर जैसी हाइट कहते हैं ना टॉवरिंग हाइट है इतना लंबा इंसान मिनेस्क्यूल होगा छोटा सा ये वर्ड पूछा जा चुका है शॉर्ट ठीक है ये बेटा आसान सा वर्ड है तो आपने कहा ही प्लेड अ

इन सरमाउंटेबल होता है दुर्गम दैट एन एडजेक्टिव जैसे आप यहां से सी डी लगा के बेटा बादलों तक तो क्या करोगे सरमाउंट नहीं कर सकते ना इन सरमाउंटेबल स्पेशली ऑफ ए प्रॉब्लम और डिफिकल्टी सो ग्रेट दैट इट कैन नॉट बी डील विथ सक्सेसफुली मतलब आप सीढ़ी लगा के बेटा बादलों पे नहीं चढ़ सकते इसको आप इन सरमाउंटेबल कहोगे और अगर आप चढ़ सकते हो तो, तो दैट इज कॉल्ड द सरमाउंटेबल आई थिंक जो तो समझ आ रहा है कि भाई कोई यहां से ऐसे थोड़ी तो बादल दिखाई दिए सीढ़ी लगा के बादल पे पहुंच गए तो ये इन सरमाउंटेबल है और कोई वॉल होगी तो आप कहते हैं सरमाउंटेबल है जैसे आपने कहा द एज बैरियर अपियर इन सरमाउंटेबल जो एज का बैरियर है ना बेटा वो इन सरमाउंटेबल है यानी कि उसे आप रोक नहीं सकते बैरियर को वो बढ़ता ही जाएगा एज बढ़ती ही जाएगी सम ऑफ माई फ्रेंड्स एंड माई सिस्टर्स बेटा सिस्टर्स आएगा ना तो समय एंड माई सिस्टर्स ऑफ माई फ्रेंड्स एंड माई सिस्टर्स ड्रीम्स अब सही है बच्चे एकदम सही सिस्टर्स ड्रीम्स आर लॉफ्टी बहुत सही लिखो मुकेश सर जैसे आप इंग्लिश के लिए लाते हैं वैसे ही कासिम सर को भी बोली बोलिए बेटा कासिफ सर करंट अफेयर शाम को पढ़ाते तो हैं आठ बजे से अंशु शाम को आठ बजे से एट पी से बेटा सर की डेली क्लास होती है ना करंट अफेयर को लेकर यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट विवेक थैंक्स बच्चे हाँ क्लाइंबिंग ऑन माउंटेन्स इज अनसरमाउंटेबल होगा जैसे आपने कहा देवर नाउ फेस्ड बेटा देवर नाउ फेस्ड विद सीमिंगली अनसरमाउंटेबल टेक्निकल प्रॉब्लम्स अभी वो फेस करें बेटा uh, देवर फेस्ड कर देते नाव का विद अनसीमिंगली मतलब ऐसे अनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम टेक्निकल प्रॉब्लम जिसे वो सॉल्व नहीं कर सकते ठीक है नेक्स्ट आ जाओ द इंडियन गवर्नमेंट रिकोग्नाइज इंडियन गवर्नमेंट रिकोग्नाइज करती है दैट द वर्ल्ड हाइएस्ट एंड लॉफ्टिएस्ट माउंटेन्स रेंज नो लॉन्गर सर्व एज एन अनसरमाउंटेबल वॉल अब उसको आप अनसरमाउंटेबल वॉल नहीं कह सकते यानी कि जो हाइएस्ट बेटा चढ़ चुके हैं वो भी हमने बेटा चढ़ लिया है, है वर्ड सुना होगा एस सी एल -E, स्केल करना होता है बेटा चढ़ जाना ठीक है ना तो हम उन्हें स्केल कर चुके हैं यानी कि उनके ऊपर भी चढ़ चुके हैं नाउ दे आर नॉट अनसरमाउंटेबल ठीक नेक्स्ट देखो बेटा इनसेपरेबल होगा बिल्कुल सही बात है जिसके ऊपर सुपरसीड नहीं कर सकते जिसे आप जीत नहीं सकते हैं या इनविंसिबल एक ही बात है बिल्कुल तीनों वर्ड समझ आ गए पहुंचा सकते हैं कहते हैं ना ये बॉडी जो थी वायरस के लिए बड़ी वलनेबल थी वायरस बॉडी को बड़ी आसानी से हार्म कर लेता था प्रेग्नेबल होता है जिसमें आसानी से आप घुस सकते हैं छेद कर सकते हैं तोड़ सकते हैं दैट इज कॉल्ड द प्रेग्नेबल ओके और आई टी बी पी सोल्जर्स आर इजी सर्व उंटेबल एरिया in बहुत बढ़िया नेक्स्ट बात करते हैं तो हमने कहा बेटा इन नहीं सर हेड पीक प्लस माउंटेबल सो दैट माउंटेन पीक क्या है बेटा इनसरमाउंटेबल है तो आप ऐसे समझ लो माउंट है ना बेटा माउंट माउंट को आप इन सर नहीं कर सकते इन सर्च नहीं कर सकते चढ़ नहीं सकते तो दैट इज कॉल्ड इन सरमाउंटेबल नेक्स्ट आ जाओ एगोनाइजिंग बेटा एगोनाइज क्या होता है लेडी का आप पिक्चर देख रहे हो ना कैसे बेटा बड़ी परेशान है टेंशन में यूजली आप भी ऐसे हो जाते हो कभी कभी अपना रिजल्ट देखने के बाद तो एगोनाइज हो जाता द शिवा शिवा इज फोर्थ वॉज इन सरमाउंटेबल ठीक है बिल्कुल आ जाए तो टू स्पेंड ऑफ टाइम टू टू मेक डिसीजन बेटा कभी कभी क्या होता है ना हम डिसीजन नहीं ले पाते यानी कि अत्यधिक चिंता करने लग जाते हैं कि होगा क्या जैसे एग्जाम पास आता है अगर बच्चों की स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है भाई कुछ बच्चे लगातार तैयारी कर रहे पिछले छह महीने से उनको पता है कि एग्जाम टाइम पे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है जो नहीं पढ़ा है वो क्या है बेटा वो ऐसे सिर पकड़ के बैठ जाते हैं अब क्या करेंगे तो वो अगली बार ही कुछ करते हैं शी एगोनाइज फॉर डेज ओवर वेदर शुड टेक जॉब मतलब क्या है वो बहुत ज्यादाइज करती है फॉर द शीश और जॉब ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं जैसे फॉर सेवर डेज बिफोर एग्रिंग टू मूव टू नेपाल बेटा क्या हुआ कि वो बहुत ऑर्गोनाइज करता है बहुत चिंतन करता है फॉर सेवरल डेज बिफोर एग्रिंग टू मूव टू नेपाल नेपाल जाने से पहले मतलब कंसिडरेशन है बेटा आप भी तो चिंता करते हो ऐसा करें या नहीं करें मैनी एस एस सी एक्सपीरियंट थिंक क्रैकिंग सीजीएल एग्जाम इज अनसरमाउंटेबल बिल्कुल सही बात है कुछ लोगों को ऐसा कर लगता है कि एग्जाम तो इनसरमाउंटेबल है द इंडियन आर्मी एंटर्ड द इनसरमाउंटेबल एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाई विनिंग द कारगिल वॉर ऑफ नाइनटीन नाइनटी एट बहुत बढ़िया बहुत अच्छे मुकेश आई एगोनाइज फॉर माई रिजल्ट ठीक है मैनी पीपल आर एगोनाइजिंग आएगा ओके मैनी पीपल आर एर्गोनाइजिंग व्हेन द वॉर इज नियर व्हेन एग्जाम इज नियर ऐसे करो बेटा प्रदीप और पीपल से अच्छा होगा मैनी एक्सपीरियंट लिखो कि बहुत सारे लोग जो तैयारी करते हैं एडिटोरियल का क्या कहता है द अलगनंदा वैली अर्लीअर दिस वीक सजेस्ट दैट बेटा हैम हैंडेड डेवलपमेंट ये जो हैमंडेड परेशान करने वाली डेवलपमेंट है ना इन द नेम ऑफ बेटा इन द नेम ऑफ गॉड

आप किसी गन को देख के ऑर्गेनाइज हो जाते हैं ये आगे बच्चे हैम हैंडेड हैम हैंडेड क्या होता है लैकिंग आपके अंदर बेटा स्किल की कमी है स्किल की कमी है और क्लमसी बुरा कर देना ठीक है दैट इज कॉल्ड हैम हैंडेड याद रहेगा बेटा वर्ड हैम हैंडेड देखो कितना सही वर्ड हैम हैंडेड ओके दैट इज कॉल्ड बेटा हैम हैंडेड हैंडेड का मतलब होता है जिसमें लैक ऑफ डेक्सिटी स्किल्स ओके आई डेड इट हैडेड मतलब मैंने ऐसे कर दिया जैसे मेरे अंदर स्किल्स ना हो तो इज अग हेम फुटबॉल प्लेयर था यूज टू बी अटबॉल प्लेयर जो एक फुटबॉल प्लेयर हुआ करता था अब नहीं है जैसे अलकनंदा वैली अडलियर दिस वीक सजेस्ट अलकनंदा वैली अडलियर जो भी हुआ है वो सजेस्ट करती है दैट हैम हैंडेड डेवलपमेंट की डेवलपमेंट कैसा था था लैकिंग और स्किल्स था यानी कि वैली में वो बहुत अच्छा नहीं है वो हैम हैंडेड है मतलब अच्छे से नहीं किया हैंडेड है तो है, समझ लो आदमी ने अच्छे से नहीं किया दैट इज हैंडेड नेक्स्ट है बेटा एसेटिक रिलीजियस वर्ड होता है बेटा धार्मिक लोग जैसे थीस्ट एथिस्ट होते हैं ना ऐसे एक वर्ड होता है एसेटिक एसेटिक होता है इन अ सिंपल एंड डिस्ट्रिक्ट वे विदाउट फिजिकल प्लेजर ना तो या आनंद की बात करते हैं स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन बेटा किस वजह से क्योंकि ये धर्म में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं इसलिए सामाजिक सुख या फिजिकल प्लेजर की बात नहीं करते हैं हिंदी में हम इसके लिए एक वर्ड लिख सकते हैं बेटा संत समझ गए संत बेटा संत वाला पॉजिटिव मीनिंग रखना आज के जैसे संतों की बात मत कर लेना वरना गल, गलत हो जाएगा क्योंकि आजकल के बहुत सारे संत बेटा बस फिजिकल प्लेजर की बात करते हैं ओके तो दैट इज कॉल्ड अ संत दे लिव अ वेरी एसेटिक लाइफ और दे लिव अ वेरी एसेटिक लाइफ दैट्स वाई ऐसे लिख सकते हो बेटा दैट्स वाई दे आर इन द केव्स ऑफ द हिमालया बेटा मुझे लगता है आपको याद रह जाएगा वो हिमालयास केव में पड़े रहते हैं क्योंकि वो कैसी लाइफ जीते हैं लाइफ जीते हैं और इसलिए अब आपको याद हो जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं टू द पीपल हु आर लिविंग इन द वैली ऑफ हिमालयास अमन बिल्कुल सही तो आपने क्या कहा द मॉन्स लिव इन वेरी एसेटिक लाइफ जो संत होते हैं ना वो ऐसा जीवन जीते बेटे इसमें किसी प्लेजर किसी आनंद की बात नहीं है ओके इंडियन आर्मी हैजॉफ्टी थिंकिंग दैट इज द रीजन वी वॉन द इनसरमाउंटेबल कारगिल एंड वी आर इंटे वी हैव इंटरपिट जवान बहुत बढ़िया योगेश कुमार आज के कई सारे वर्ड आपने एक साथ मिला दिए सर आज का संत तो बिजनेस uh, कर रहा है बेटा वो आप कुछ भी सोचो आ जाओ uh, बेटा ब्रह्मचारी नहीं होगा इनफैक्ट द इंफ्लुएंस ऑफ दीज एस ग्रुप्स जिनका जो एसटिक ग्रुप का इंफ्लुएंस है ना बेटा किसमें इन द पीरियड डिस्टिंग्विशेस उत्तराखंड फ्रॉम एडजॉइनिंग एक्टा किस से एडजॉइनिंग किंगडम से. से क्या कर देता है उत्तराखंड को अलग कर देता है डिस्टिंग करता है नेक्स्ट आपका एडिटोरियल एंड ये एडिटोरियल बच्चों आपको पढ़ के आना है जितने बच्चे नए हैं वो देख सकते हैं इसमें जैसे कॉस्मोपॉलिटन है क्या था डाइगोनाइजिंग दा, कॉस्ट ऑफ हैम हैंडी डेवलपमेंट बेटा समझ आ गया देखो ऐसी चीजें आप इसलिए पढ़ो क्यों आप ये बताओ बेटा चमोली के बारे में आपने न्यूज पे खूब देखा होगा ठीक बहुत अच्छी बात है आपने देखा सब कुछ आपको पता है। कितना सही है इंडिया आइडिया एंड एक्टिविटीज ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट इन्वॉल्व विद द उत्तराखंड ठीक है अब उत्तराखंड के बारे में हमने सब कुछ पढ़ रखा है ठीक चमोली में क्या हुआ था तो अब हम क्या कह रहे हैं उसके लिए हमने एक टॉपिक लिखा द एगोनाइजिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाली कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट की कि जो हमने अनस्किल डेवलपमेंट किया था ना इसकी हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी यह हमारा क्या हो गया बेटा बेटा ऐसे ऐसे इसको आप ऐसे सोचो ये CAPF का बेटा पूरा ऐसे है कि क्या हुआ था उत्तराखंड में तो बेटा आपको बहुत सारे आइडिया यहां से मिल जाएंगे तो प्लीज आप इसको बढ़िया से रीड करेंगे सारे वर्ड्स को इसके जितने भी टफ वर्ड्स हैं वो मैंने जैसे कॉस्मोपॉलिटन है या ऐसे जो रेड कलर के वर्ड्स हैं सारे आपको पढ़ा दिए गए हैं अब बस आप इसको एक बार रीड कर लेंगे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन बेटा कलेक्ट हो जाएगी ये आज के के क्वेश्चंस आंसर्स थे एसी टारगेट एसएससी सीजीएल 2020 यदि आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों बाईस तारीख को हमारा कोर्स आ रहा है यू कैन स्टार्ट योर फ्री ट्रायल्स ओके एनरोल योर सेल्फ ऑफ फ्री ट्रायल्स इस कोर्स में आपको मिलते हैं 300 प्लस लाइव क्लासेस फोर फिफ्टी प्लस लाइव पीडीएफ सिक्स प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन टेन प्लस मॉक टेस्ट और डेडिकेटेड डाउट सोलूशन एवरीथिंग यू विल गेट यारगेट एस एस सी सीजीएल ट्वेंटी ट्वेंटी हंड्रेड डे मास्टर कोर्स है कोर्स स्टार्ट ट्वेंटी सेकेंड और फेब्रवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन और बच्चे फीस बिल्कुल अफोर्डेबल जो हमने आपसे वादा किया था वन ट्रिपल नाइन डीज देर ठीक है तो ऑनलाइन बेंचर्स बेटा पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको कुछ भी अनअफोर्डेबल ना लगे आप किसी भी जगह से हैं आप कोर्स को अवेल आसानी से कर पाएं पाएस टू ट्वेंटी फाउंडेशन बैच है सीडीएस का थ्री फोर डबल नाइन अब ये बच्चे थ्री ट्रिपल नाइन में ऑफर खत्म हो चुका है ठीक है अलेवंथ ऑफ फ्ए तक था उससे अलग बच्चे थ्री फोर डबल नाइन में ओटीए का कोर्स है और ये हमारा पेपर वन पेपर टू सी डी एस सी ए पी एफ एक्सपेडिशन कोर्स है बेटा आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और ये फाउंडेशन बैच है फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब एट बच्चे फेसबुक टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें और अगर कुछ भी क्लास के बारे में बताने तो प्लीज कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है आई वांट की बच्चे आप कमेंट सेक्शन में अपनी फिंगर्स जरूर रन करें कुछ ना कुछ क्लास के बारे में जो भी आपके सजेशंस हैं वो भी पोस्ट करो कॉमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स भी पोस्ट करो ओके okay? सो so, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल देन टेक केयर बाय जय हिंद